ये मुझ पे चिल्लाएगा, मैं चिल्लाऊंगी, उससे चीज और बुरी बन जाएगी। शादी में क्या रखा है आप मुझे बताओ, शादी में क्या रखा है? काफी चीजें ऐसी जो डिस्कशन में ही अटकी हुई हैं, आगे आ नहीं रही हैं। इतने एक्टिव तो अपनी जिंदगी में भी नहीं जितना हम आपके लिए एक्टिव रह रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जेसली। और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, इतने एक्टिव तो अपनी जिंदगी में भी नहीं जितना हम आपके लिए एक्टिव रह रहे हैं, तो थोड़ी शर्म करो, हमें प्यार दो। और आज हम आपको जो कुछ सवाल है उनके जवाब देंगे, जो मतलब क्वेश्चंस आप लोग इतने पूछते रहते हो हमसे, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके अपने चैनल जेसली चैनल पे ही आपको उसके सारे आंसर्स दे दे। ये चैनल हमारा नहीं, चैनल आपका आपका है, आपके लिए, आपके नाम पे ही हमने रखा है। इसीलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने कुछ चुने हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन चुने हुए हैं, उनके जवाब हम आपको देंगे। ओके ओके, रेडी? चलो, अपकमिंग प्रोजेक्ट तो मैंने तो आई जस्ट फिनिश्ड वन पंजाबी फिल्म जो अक्टूबर में रिलीज होगी, एंड देयर इज समथिंग फॉर एन ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हम डिस्कशंस में है, एंड होपफुली हो जाए। काफी चीजें हैं ऐसी जो डिस्कशन में ही अटकी हुई हैं, आगे आ नहीं रही हैं, बट होपफुली इस साल हो जाएंगी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें, तो वेट करो आप भी, हमने तो कर ही दें। तो बेसिकली ये हमें भी नहीं पता है, और जब मन करेगा तब कर लेंगे, ऐसी कोई जबरदस्ती तो प्रेशर है भी नहीं। और जब मन करेगा, ऐसे कोई चॉकलेट है ना, जब मन करेगा तो खा लेंगे। अभी अभी करनी है? आर यू रेडी? नो, यू आर नॉट रेडी। सी, ही इज नॉट रेडी। ठीक है, तो फिर मतलब जब मिस्टर कोनी रेडी होंगे तब हम कर लेंगे। आप कब रेडी होंगे? जल्दी होंगे, कुछ एक 4-5 साल या 5-10। शादी में क्या रखा है? देखो, तो आपको आज समझ आया ना, इस सवाल का जवाब हमको भी नहीं पता। ओके, सो द थिंग इज कि आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, और जो मेरे मन में होता है मैं तो बोल ही देती हूँ। सो आई सेड आई लव यू टू हिम ऑन 1st of January 2019, एंड हाँ मॉर्निंग में, January। सो एंड वी वर फ्रेंड्स ओनली, तो मैंने उसको बोला दैट आई थिंक आई फॉल इन लव विद यू, बट आई नो वी आर बेस्ट एज फ्रेंड्स, एंड तेरे ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं होगा। और उसने बोला हाँ ठीक है, अभी फ्रेंडशिप इज अ ब्यूटिफुल थिंग, एंड ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड द फैक्ट दैट आई वॉज इन लव विद हिम, एंड ही वॉज ऑलवेज नाइस टू मी। तो ऐसे हुआ था, और काफी लंबी स्टोरी है ये शॉर्ट में। You don't remember? Day to time कैसे किसी को याद? Yeah, we were in Gulmarg. हम New Year's मनाने गए थे. Day to time. मुझे याद है. भाई, fight वाली नहीं होती, ऐसे छोटी मोटी बहस कभी हो जाती है? मतलब we don't fight, but yes we have, क्योंकि हम दोनों का ही नेचर है, ये मुझ पे चिल्लाएगा, मैं चिल्लाऊंगी, उससे चीज और बुरी बन जाएगी, और अगर ये, और अगर मैं रोऊंगी which he cannot tolerate, तो वो ड्रामा ही बनेगा। सो वी rather discuss that, he'll say Jasmine I think this is not right and this is my problem with you, then I will tell this is, so we usually discuss and sort it out. Sort कर देते हैं। I say. Hello. Even if I'm not wrong. कितना झूठ बोलती है, मैं चैटिंग खोल के दिखा दूंगा यहाँ पे, चैटिंग समझ रही? नहीं बोलती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉरी वॉरी कोई कोई किसी को नहीं बोलता है, सीधे नेक्स्ट बात पे हम आ जाते हैं, सीधे कट टू दूसरा सीन आ जाता है, पहले वाला सीन खत्म हो जाता है, उसका कोई सॉरी नहीं होता है। झूठ मत बोल, आपको इतना अच्छा दिखाने के लिए क्या इससे चलना थोड़ी पड़ा है? अच्छा दिखाने के लिए सॉरी मैं ही बोलती हूं हमेशा। लव यू पहले बोला है, सॉरी वोरी कोई पहले तो लव यू सॉरी होता है, एक ही बात। सॉरी वोरी नहीं बोलती, बोलती कोई सॉरी नहीं बोला। नेक्स्ट, हेट तो मुझे नहीं लगता कुछ अनोइंग हैबिट, अनोइंग हैबिट ये कि मुझे लगता कुछ अनोइंग है इसमें यार, अनोइंग होता तो शायद मैं इसके साथ होता ही नहीं, क्योंकि अनोइंग नहीं है बिल्कुल भी नहीं है ये, अनोइंग नहीं है,
बाकी इसकी हर चीज मुझे पसंद है. आई मीन काफी चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग है, समझती है इंसान मेरे को समझती है, मेरी हर चीज़ को समझती है. आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है अगर आपका सामने वाला बंदा आपको अंडरस्टैंड कर पाए. सो आई थिंक वो बेस्ट चीज़ है. अनोइंग अनोइंग ऐसी कुछ भी नहीं है, लाइक थोड़ा मतलब अकेले पूछ लो हमसे पता नहीं. द ओनली थिंग विच पिसेस मी ऑफ इज कि ये अपना सामान बहुत ऐसे फैला के रखता है हर जगह, एवरीथिंग, और मैं हर चीज मतलब तरीके से, अगर सूटकेस है तो उसमें सामान थोड़ा वैसा, ये सामान सीधा करती भी नहीं है, ये वो देख के चली जाती है. अगर इतने ही अनोइंग फील हो रहा है तो जाके उसको सेट भी कर दो. नहीं, अब वो मैं अपनी पैकिंग सब खुद करता हूं, वेरी ही इज अ गुड बॉय, खुद करता हूं, किसी की मेरी हेल्प नहीं करती. हां तो so that and what I love about him is that iska dil ekdam saaf hai, jo hai face pe. If he's upset about something he'll say, if he's happy about something he'll say, he is transparent, like absolutely. That is what I love about him. So guys, ye the kuch sawal jinke humne jawab diye aur hame bhi mile. तो अगर और भी आप क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, दिल में, जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो. वी कैन डू अनदर सच सेशन फॉर यू गाइस अगेन. और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और रिंग बेल आइकन. Ha ha ha.